ब्लॉग। तो मैं आज लुलू मॉल आया था, तो यहाँ पे मैं आया तो हमारा रोल कर गया है। और आज आया तो पता चला था कि 5 तारीख को ओपन होगा, मगर यहाँ पे आके पता चला कि ओपन नहीं हुआ है और इसकी कोई डेट भी नहीं ओपन होने की। तो फिर हम लोग फिनिक्स पलासियो जा रहे हैं, तो वहाँ का आपको जो दिखाएँगे। जिस दिन ये ओपन होगा उस दिन यहाँ फिर आएँगे, आपको यहाँ का ब्लॉग दिखाएँगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं पलासियो, तो वहाँ उसका ब्लॉग डालेंगे। क्या करे भाई, ये लोग बता रहता है, बोला कि ऐसा है हाँ आज खुल जाएगा एशिया। भाई यही लोग बताते हैं एशिया का, लेकिन भाई ये गलत बता रहे भाई। ये कोई नहीं तुमको घुमाते हैं फिनिक्स पलासियो। तो चलो चलते हैं फिनिक्स पलासियो में। आइसक्रीम नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बर्गर और पिज्ज़ा सब खिलाएंगे। आज इसकी जेब गर्म है। हम आ गए हैं फिनिक्स पलासियो। तो अब अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाई 2-3 बार घूम चुके हैं, तो 7 हो गए, 6 हो गए, 7 और लगा। नहीं, हम तो रास्ता ढूंढ रहे हैं भाई। फिल्म के लिए कपड़े पसंद किए हैं। यहाँ से एंट्री हुई है बाइक की, हमारे एंट्री कहाँ से होगी। चलो गाइस अंदर चलते हैं और अच्छे कपड़े और माल देखते हैं। मतलब गाइस ये है फिनिक्स पलासियो। तो लुलू मॉल की जगह हम लोग यहाँ पे आएंगे अपना ब्लॉग शूट करने। तो क्योंकि लुलू मॉल आज बंद है, तो आज यहीं से हम लोग थोड़ा शुरुआत करेंगे, क्योंकि वहाँ का ब्लॉग तो नहीं बन पाया, तो आज यहाँ का ब्लॉग डालेंगे। तो मिलते हैं फिर आगे, अंदर चलते हैं और आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ से एंट्री होगी हम लोगों की। तो टिकट ले लिया, टिकट भी मिलता है क्या, फ्री में एंट्री करेंगे। यहाँ से एंट्री हो रही हो। यहाँ पे ये है अंदर आके ये सब बढ़िया है एकदम, बिल्कुल क्या नज़ारा अच्छा है। तो हमारे साथ रहो। ये देखिए गाइस सब बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन लेडीज़ों के सामान मिलते हैं यहाँ पर, नहीं लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब कुछ है। सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए आपको और भी सारी चीज़ें अंदर दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आइए किसी दिन घूमिए गोमती नगर में। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम के जस्ट बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बस मुझे थोड़ा दूर आना पड़ा है अपने घर से कम मैं 30-40 किलोमीटर दूर आया हूँ यहाँ पे। और आप लोग भी आइए घूमिए, अच्छा है काफ़ी। देखिए और भी ऊपर चल के आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ये तो नीचे का नज़ारा है, बाकी ऊपर का नज़ारा, नीचे का नज़ारा सब कहीं का आपको दिखाएंगे। और भी अंदर जहाँ तक होगा सब, ये अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, ये देखिए। मिनी जुरासिक वर्ल्ड खोले हुए हैं। मिनी जुरासिक वर्ल्ड, अच्छा। ये देखिए आपको मिनी जुरासिक वर्ल्ड दिखाते हैं आगे। और ये देखिए छोटे छोटे जानवर हैं यहाँ पे। तो आगे और चलते हैं ऊपर, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलिए, हाँ नीचे का पहले दिखाते हैं, चलो जैसा तुम कहो। ये देखिए सही है, आइए घूमिए और मज़े लीजिए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अंदर चलते हैं, अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप भी आइए घूमिए और मज़े लीजिए। और जो भी इसके बारे में जानकारी है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ से। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए दो हिरन जो कि रंग बिरंगे हैं, और लाइटिंग, इतनी प्यारी लाइटिंग देख सकते हैं। ये देखिए, और जो भी सामान आप यहाँ लेना चाहें सब मिलता है, बट काफ़ी महंगा होगा लेकिन अच्छा होगा। और खाने पीने की सामान भी बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे मिलती है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। चलिए तो अब ऊपर का व्यू दिखाएंगे आपको। और इधर से चलते हैं। कपड़े वगैरह भी अच्छे मिलते हैं और परफ्यूम वगैरह भी मिलते हैं। ये आप जो देख सकते हैं वाइन शॉप, आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, काफ़ी पसंद करते होंगे लोग। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। परफ्यूम वगैरह भी मिलते हैं। ये आप जो देख सकते हैं वाइन शॉप, आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, काफ़ी पसंद करते होंगे लोग। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आइए और घूमिए और भी अच्छी चीज़ें खाइए पिए और खरीदिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सब है और जब मन चाहे आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी के भी साथ आ सकते हैं। और आइए घूमिए टहलिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे और वहाँ पे चल के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। और हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, चलिए आपको आगे का व्यू दिखाइए। ये देखिए हमारे भाई साहब मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये देखिए नीचे का व्यू, और काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। अभी फोर्थ फ्लोर बाकी है, तो आपको और भी दिखाते हैं आगे। तो चलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि मॉल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और सब भाई साथ में आए हैं अपने। ये देखिए सभी लोग, सब लोग साथ में टहलने आए थे। आज जाने वाले थे लुलू मॉल, लेकिन वो आज ओपन नहीं हुआ था, तो हम लोग यहीं पे चले आए। हमें सोचा ब्लॉग होना चाहिए, तो जिस दिन लुलू मॉल खुलेगा उस दिन लुलू मॉल का भी आपको ब्लॉग मिलेगा। वैसे इस बार फिनिक्स पलासियो का ही ब्लॉग लीजिए, देखिए और पसंद कीजिए। कपड़े लेडीज़ों के, बच्चों के, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, गेमिंग वगैरह, गेमिंग जोन, और सब कुछ खेल सकते हैं। और लॉज वगैरह भी यहाँ पे है। तो ये देखिए आप एकदम फोर्थ फ्लोर पे चलते हैं और सब दिखाते हैं आपको। ये है ग्राउंड फ्लोर का, और फोर्थ फ्लोर पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे सैलून वगैरह भी है, और जो चाहे वो यहाँ पे देखिए। और जो कुछ मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पढ़ के देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दे रहा हूँ कि कितना सुंदर है। और जब मैं आप लोग को आना हो तो मैं आपको सारी यहाँ की लोकेशन भी डाल दूँगा वीडियो में, तो आप देख करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी मिलते हैं। और रात हो गई है तो इसलिए यहाँ कम लोग दिख रहे हैं, वरना बहुत लोग आते हैं क्योंकि अच्छा है। बहुत लोग वापस भी जा रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए ये देखिए मसाज यहाँ पे, और यहाँ पे टिकट मिलता है। और ये औरत, ये हॉन्टेड हाउस है। तो चलिए यहाँ से यहाँ का टिकट पूछते हैं क्या है। एक सेकंड, क्या चार्ज है टिकट का? 150। तो भाई ने बताया यहाँ का चार्ज 150 है। यहाँ का चार्ज 150 है, 150 150। तो यहाँ से ये देखिए काफ़ी डरावना है। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो, क्योंकि मैं एक बार गया हूँ तो काफ़ी। ये देखिए यहाँ मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। क्या हुआ भाई? पोज मत दो, अच्छे नहीं लग रहा। खाने वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, तो बता दो। बहुत महंगा बजट से बाहर है। अच्छा चलो कोई नहीं, घूम ही लेते हैं हम लोग। तो गाइस ये सोचिए ये इतना बड़ा है तो लुलू मॉल भी तो बड़ा ही होगा, इससे काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि वो यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। और ये नीचे का व्यू है। ये इतना बड़ा है तो लूलू मॉल में क्या होगा? भाई सबसे बड़ा तो यही लग रहा है। हाँ लूलू मॉल से तो इतना बड़ा होगा भाई। लूलू मॉल जब बंद ही है तो बात ही नहीं, बंद है लेकिन जाना तो चाहिए। तो अब कब चलेंगे लूलू मॉल? फर्स्ट ब्लॉक लूलू मॉल, नहीं फर्स्ट ब्लॉक लूलू मॉल, फर्स्ट ब्लॉक। अच्छा बहुत सारे मिलते हैं। और अब लग रहा है हमारे भाई जी थक गए हैं तो बोल रहे हैं चलो तो चलते हैं और भी आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए बर्गर किंग वगैरह। और बुक्स वगैरह भी मिलती हैं यहाँ पे। और ये देखिए कैंडी, यहाँ पे कैंडी वगैरह मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो कि मिक्स हैं सब। और ये देखिए डर, ये गेमिंग जोन है। आपने बच्चों के साथ में यहाँ आ सकते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी खुश रहेंगे। ये देखिए प्लेइंग जोन है यहाँ पे। लेकिन हाँ काफ़ी खर्चा हो जाएगा। खर्चा तो होगा, गेम के भी कई ऑप्शन है। गेम के काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आइए। और बच्चे काफ़ी खुश हों। तो अंदर चलते हैं। कहाँ इसके लगा देंगे? क्यों अंदर नहीं जा सकते? वगैरह यहाँ पे अच्छा लगता है ये सब। ये डोसा वगैरह और मोमोज वगैरह सब सारी आइटम यहाँ पे आपको। इनके रेट यहाँ फिक्स हैं और रेट पे कोई वो नहीं है। ये देखिए आपके सामने रेट लिस्ट भी है। ये देखिए और यहाँ पर सब है। ये देखिए रेट लिस्ट वगैरह सब फिक्स है रेट। और ये देखिए परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी काफ़ी खर्चा, अगर कोई लेडीज आती तो बहुत लंबा खर्चा हो जाए। नहीं हम नहीं लाएंगे लेडीज़ को तो खतरे में थोड़ी ना पड़ना है तो रखना भी नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी सब क्लोज हो रहा भाई साहब। प्ले हमारे गाँव भाई साहब बच्चों के लिए है प्ले जोन। यहाँ पे बच्चों को लाएंगे तो बच्चे जिद तो करेंगे ही, कि उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और काफ़ी दिया है, आपको दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा था और घूमने में मेहनत तो लगती ही है। तो आपको चलो गाइस नीचे चलते हैं और सब सुनो, इधर इधर से चलते हैं, आओ इधर। तो भाई हमारे कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि इधर से चलते हैं तो सारा सीन मिल जाएगा, सारा व्यू मिल जाएगा। दे रहे हो बड़े आदमी, दे रहे हो पैसा तो हम खा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आई लव फिनिक्स मॉल। ये देखिए, ये खाने वाली चीज़ें सारी, जिसको जिसको भी खाना है यहाँ आ सकता है। मत उठाओ उसे छोड़ दो। का तो यहाँ सिस्टम रहा है। गाइस हम लोग पूरा मॉल घूम चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न